Good morning, dear student. I welcome you on Shribiel Memorial Academy School, care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, chapter number 1st, subject English. ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर किया था काली द कैनरी, तो हमारा वो चैप्टर इनकम्प्लीट रह गया था. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. लास्ट क्लास हमने पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स. आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, फर्स्ट है हु वॉज कार्ली, कार्ली कौन था. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड जिल गेट लेट फॉर स्कूल, जिल स्कूल के लिए लेट क्यों हो गया था. थर्ड है What did Carly do around 6 in the morning? सुबह के 6 बजे कार्ली क्या करता था. फोर्थ हु फाउंड द कैच डोर अनलॉक, किसने ढूंढा कि कैच का जो डोर है वो अनलॉक है. Why was Jill unhappy? जिल अनहैप्पी क्यों था, मतलब वो नाखुश क्यों था. Where was Carly found? कार्ली कहाँ मिला. सेवन्थ है हु ब्रॉट कार्ली बैक टू द हाउस एंड हाउ, कार्ली को वापस घर में कौन लेके आया और उस और कैसे लेके आए. What sound did Carly make sound? कार्ली कैसा साउंड निकाला, कौन सा साउंड निकाला कार्ली ने. 9. What did you learn from the compressions? मतलब आपको इस चैप्टर से क्या समझ मिलता है, क्या मॉरल है, क्या सीख मिलती है आपको. तो आपको इस चैप्टर से यह सीख मिलती है, मैंने आपको बता रखा है कि हमें कभी भी अपने पेट को किसी कैज में बंद नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे. मैंने आपको ये वर्बली बताने के लिए आपको एक बार ये बताए हैं. 9th क्वेश्चन, इसके जो आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएंगे. आज अपन करते हैं ग्रामर जोन. जो ग्रामर जोन दे रखा है प्रीपोजिशंस, पेज नंबर 9 पे अपनी बुक का निकालिए, अपनी बुक का पेज नंबर 9 निकालिए प्रीपोजिशंस. ठीक है, अब आप अपन इसकी डेफिनेशन करते हैं, प्रीपोजिशन होते क्या है. ठीक है, प्रीपोजिशंस होते हैं अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड टू डिस्कस अ सर्टेन पॉइंट. प्रीपोजिशन जो होते हैं जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं. नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं एनी प्लेस, एनी थिंग्स, एनी पर्सन, एनी एनिमल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी जगह, तो ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं. अब नाउन के आगे जो यूज़ लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं. और होते कौन से, देखो नियर, नियर यानी पास में, इन यानी मैं, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, बिहाइंड यानी पीछे, बिसाइड यानी बगल में, ओवर ऊपर, इन फ्रंट ऑफ यानी जस्ट सामने, बिटवीन यानी बीच में. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ऑन द राइट साइड. कोई भी चीज़ आपके राइट साइड में है तो आप बोलेंगे ऑन द राइट ऑफ, कोई भी चीज़ आपके लेफ्ट साइड में है तो आप बोलोगे ऑन द लेफ्ट ऑफ. तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है. और ये कहाँ यूज़ होते हैं, बिफोर नाउन और प्रोनाउन. तो अब देखिए पेज नंबर निकालिए 10. कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द राइट प्रीपोजिशन. हमको क्या करने है, जो आपको पिक्चर को देख के नीचे सेंटेंस दिए हुए तो हमको इनको राइट लिखना है, इसके अंदर प्रीपोजिशन लिखने हैं. द फर्स्ट है द रेडियो इज ब्लैंक द सेल्फ. रेडियो जो है वो सेल्फ में कहाँ है, इन या ऊपर, इन. ये देखो सेल्फ दे रखी है आपको, जब बुक्स पढ़ी है ना ये सेल्फ है. तो अब रेडियो जो भी होगा वो सेल्फ के अंदर होगा, तो आप इसके फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे, इन. क्या लिखोगे, इन, IN, इन. सेकेंड है द बॉल इज, ये बॉल पढ़िए जो नीचे, वो क्या है, द डेक्स एंड द बेड. बॉल कहाँ है, डेक्स और बेड के बीच में, कहाँ है ये देखिए आपको बताती हूँ मैं. ये जो बॉल दे रखी है वो कहाँ है, ये है डेस्क और ये है बेड, तो इन दोनों के बीच में है. तो आप क्या लिखोगे, इन बिटवीन. क्या लिखोगे, इन बिटवीन. थर्ड है द शूज़ आर द डेस्क. अब शूज़ है वो कहाँ है, डेस्क के ऊपर है या नीचे है, नीचे है. तो आप थर्ड में क्या लिखोगे, अंडर, UNDER, अंडर. फोर्थ है द प्लांट इज ब्लैंक द पॉट. जो प्लांट दे रखा है ये रहा प्लांट, तो ये कहाँ है, पॉट के अंदर है या ऊपर है, पॉट के इन मतलब में. तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखो इन, द प्लांट इज इन द पॉट. फिफ्थ है द रग इज द बेड. अब जो रग दे रखी है जो ओढ़ने का होता है उसको क्या बोलते हैं, रग बोलते हैं. वो कहाँ है, बेड के फ्रंट ऑफ मतलब बेड के सामने. तो आप क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ. ये येलो कलर की जो है ये देखो ये रग है, तो ये बेड के कहाँ है, सामने है. तो इसमें क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ. फिफ्थ में क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ. सिक्स है द लैम्प इज ब्लैंक द डेस्क. अब जो लैम्प है ये रहा लैम्प, अब ये कहाँ है, डेस्क के ऊपर है, नीचे है या कहाँ है, डेस्क के ऊपर है. तो आप इसको क्या लिखोगे, ऑन द लैम्प इज ऑन द डेस्क. सेवन्थ है द बुक इज
ब्लैंक द पेंसिल एंड द लैम्प, मतलब जो बुक्स दे रखी है वो पेंसिल और लैम्प के कौन से साइड में, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। द बुक इज द, बताइए आप, देखो मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ लेफ्ट साइड में होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, और जो राइट साइड में होगा वो राइट साइड में होगा। तो द बुक्स इज ऑन द लेफ्ट, बुक कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, किसके, पेंसिल और लैम्प के लेफ्ट साइड में बुक है। तो आप क्या लिखोगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। एट है द लैम्प इज द बुक, अब लैम्प है जो बुक के कौन से साइड में है, जो लैम्प पड़ा है वो बुक की कौन से साइड में, बुक की राइट साइड में है। तो आप क्या लिखोगे, ऑन द राइट ऑफ, क्या लिखोगे, ऑन द राइट ऑफ। फिर नेक्स्ट है द पेंसिल इज, अब ये जो पेंसिल दे रखी है ये बुक की कौन से साइड में है, देखो लैम्प कौन से साइड में था, राइट साइड में था, तो ये पेंसिल भी कौन से साइड में है, बुक की लेफ्ट राइट साइड में है। तो आप क्या लिखोगे, ऑन द राइट ऑफ, ठीक है। फिर टेन है द पिक्चर इज, अब पिक्चर आपको दे रखी है ये देखो, अब ये वॉल के कहाँ है, इन अंदर है या पर है, वॉल पर है, तो आप इस टेंथ में क्या लिखोगे, ऑन द वॉल। द पेंट ब्रश इज, अब ये जो पेंट ब्रश दे रखा है वो प्लेट के कौन से साइड में, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, देखिए पिक्चर में राइट साइड में है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, द पेंट ब्रश इज ऑन द राइट ऑफ द प्लेट, मतलब पेंट ब्रश है जो प्लेट के राइट साइड में है। 12 है द प्लेट इज द बॉल, अब ये जो बॉल दे रखी है वो प्लेट के कौन से साइड में है, ये जो बॉल दे रखी है वो प्लेट के कौन से साइड में है, बॉल है जो प्लेट के कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, द प्लेट इज द बॉल, क्या लिखोगे 12 में आप, ये देखिए ये प्लेट है, ये बॉल के कौन साइड में, बॉल की राइट साइड में, देखो प्लेट के राइट में कौन था, ब्रश, अब ये पूछ रहा है जो बॉल के, बॉल के राइट में कौन है, तो प्लेट है, तो आप इसमें क्या लिखोगे 12 में, द प्लेट इज ऑन द राइट ऑफ द बॉल। 13 है टेडी बियर इज द बेड, अब ये टेडी बियर है ये कहाँ है, बेड के ऊपर है या नीचे है या साइड में है या फ्रंट ऑफ है, ये बेड के ऊपर है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, द टेडी बियर इज ऑन द बेड। फिर 14 है द बुक्स आर द ब्लैंक द सेल्फ, मतलब शेल्फ दे रखी है, बुक्स शेल्फ के अंदर है या ऊपर है, देखने से आपको पता चल रहा है शेल्फ के अंदर है, इन, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इन द बुक्स आर इन द शेल्फ। फिर 15 है द पेंसिल एंड द बुक एंड द लैम्प आर द ब्लैंक द डेस्क, मतलब ये बुक, ये लैम्प और ये पेंसिल, ये कहाँ है, डेस्क के ऊपर है या नीचे है, ऑन द डेस्क, तो आप इसमें क्या लिखोगे 15 में, ऑन द डेस्क, कौन सा प्रीपोजिशन यूज लेंगे, ऑन। 16 है द डेस्क इज, अब ये जो डेस्क है वो कहाँ है, ब्लैंक द बेडरूम, मतलब कि ब्लैंक दे रखे, अब बताइए डेस्क कहाँ है, बेडरूम के अंदर है या बाहर है, अंदर है, और अंदर को हम क्या बोलते हैं, इन, तो 16 में लिखिए इन, आई एन इन। 17 है द सेल्फ आर, अब ये जो सेल्फ दे रखी है वो दीवार के अंदर है या ऊपर है, आप अपने घर में जो सेल्फ है वो देखिए, वो दीवार के अंदर है ऊपर है, अंदर है दीवार में, इन है, तो आप क्या लिखोगे 17 में, द सेल्फ आर इन द वॉल। फिर है 18 द डॉल इज डैश द रग, अभी जो डॉल दे रखी है वो डेस्क के कौन से साइड में है, राइट साइड में है लेफ्ट साइड में है, देखिए राइट साइड में है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ऑन द राइट ऑफ, ठीक है। फिर है 19 द रग इज द डॉल एंड द प्लेट, अभी जो रग है ये जो डॉल और प्लेट के कौन से साइड में है, बीच में है, तो आप क्या लिखोगे, द रग इज इन द बिटवीन इन द डॉल एंड प्लेट। फिर 20 है द विंडो इज द पिक्चर, अब ये जो विंडो दे रखी है ये पिक्चर में कौन साइड में, लेफ्ट है या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आप क्या लिखोगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हो गए कंप्लीट, ये आपको ये जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स है जो फिल करके पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आपको ये सब अपनी नोटबुक के अंदर करना है। और नेक्स्ट देखिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिस्कस विद पीयर्स, मतलब अपने दो पीयर्स यानी कौन होते हैं, दोस्त, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। वेयर वुड यू लाइक टू लिव, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, इन बिग सिटी, बड़ी सिटी में, और इन अ स्मॉल टाउन, या फिर छोटी सिटी में, वाई और क्यों, इसका आंसर आपको खुद को देना है।
सेकंड है हु आर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन है, आपकी फैमिली में ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मदर फादर अंकल आंट ताऊ जी ताई जी कौन है, तो आपको इसके अंदर लिखना है हु आर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन है। थ्री है डू यू हैव एनी पैट्स, आपके पास कुछ पालतू जानवर है, इफ़ यस हाँ टेल अस समथिंग अबाउट, बोलिए उसके कुछ बारे में, अगर आपके घर पे पेट कैट है या आपके घर पे डॉग है तो उनके बारे में आपको कुछ लिखना है। ठीक है, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर प्रीपोजिशन और ये सब आपको पीडीएफ में इसका होमवर्क मिल जाएगा, आपको ये सब अपनी नोटबुक के अंदर करना है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।